असलकम स्टूडेंट्स अगर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के फ्यूचर की बात करते हैं उसके पोटेंशियल की बात करते हैं तो दिस इज़ ओनली रियलिस्टिक कि हम उन चैलेंजेस की भी बात करें जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में पेश आ सकते हैं आते हैं या इम्कान है कि फ्यूचर में पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स को उन चैलेंजेस का सामना करना होगा अब ये चैलेंजेस जो हैं ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और यूनिवर्सल भी हो सकते हैं हम बात कर लेते हैं डेवलप्ड कंट्री कॉन्टेक्स्ट और डेवलपिंग कंट्री कॉन्टेक्स्ट की डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्टेक्स्ट में जैसे स्कॉलर्स ने तीन चैलेंजेस जो मेन हैं उनको आइडेंटिफाई किया है नंबर वन मैनेजिंग अकाउंटेबिलिटी चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्टमेंट हो रही है का वो इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट्स हो का वो इन्वेस्टमेंट हो फॉर रिटर्न वो टैक्स पेयर की मनी से होती है और टैक्स पेयर जो है वो एजुकेटेड अवेयर सिटीजन है जो जानना चाहता है कि उसके टैक्सेस हार्ड अर्न मनी उसकी जो है वो कहाँ पर खर्च हो रही है उससे क्या सोशल और इन्वामेंटल इम्पेक्ट क्रिएट हो रहा है तो थ्रू आउट द कोर्स हमने बात की कि अकाउंटेबलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सोशल इंटरप्राइज के लिए ये वो चैलेंज है जो कंटिन्यू रहेगा चलता रहेगा फ्यूचर में भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने डोनर्स को अपने बेनिफिशरीज को और दीगर स्टेक होल्डर्स को दूसरा चैलेंज जो डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्टेक्स में है वो ट्रिपल बॉटम लाइन मेंटेन करने का है वही कि सोशल फाइनेंशियल और इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट जो है किसी एंटरप्राइज का उसे बैलेंस होना चाहिए सोशल इंटरप्राइज़ बहुत सक्सेसफुल हैं जो ना सिर्फ सोशल इम्पेक्ट क्रिएट करें बल्कि फाइनेंशली वाइबल हों और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हों इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें उसको बेहतर बना सकें तीसरा चैलेंज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ कॉन्टेक्स्ट में है वो है मैनेजिंग आइडेंटिटी अब ये थोड़ा सा इनोवेशन से भी रिलेटेड है लेकिन बेसिकली इसका तालक एंटरप्रेन्योर्स के जो वैल्यू सिस्टम उसके जो बिलीव्स हैं उनके साथ है कि क्या वो आइडियाज़ हैं क्या वो बिलीव्स हैं क्या वो वैल्यूज़ हैं जिनकी बिना पे सोशल एंटरप्रेन्योर अपने आप को बिजनेस एंटरप्रेन्योर या किसी और एंटरप्राइज से डिफ्रेंश करता है एक लेकिन क्या एक सोशल एंटरप्रेन्योर वो क्या वैल्यूज़ हैं वो क्या बिलीव्स हैं वो क्या नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से अपने आप को दूसरे सोशल एंटरप्रेन्योर से डिस्टिंग्विश करता है क्योंकि इनोवेशन इज़ द की अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो आप आगे चलेंगे आप कामयाब होंगे आपकी एंटरप्राइज जो है वो इम्पेक्ट क्रिएट करेगी और ये डिफरेंस जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं है ये डिफरेंस आपकी वैल्यू सिस्टम में है आपके बिलीफ में है कि आप लोगों को उनके मसाइल को अपने इम्पैक्ट को किस तरह देखते हैं किस तरह फ्रेज करते हैं आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात कर जा आ, की जाती है एंड ऑफ़ कोर्स बाज दूसरे ऑथर्स जो हैं वो फंडिंग या रिसोर्सफुलनेस को भी इसमें शामिल करते हैं कि आपको अकाउंटबलिटी इनोवेशन आइडेंटिटी के अलावा फंडिंग स्ट्रीक जो है उसको भी कायम रखना ज़रूरी है अगर अगरचे डेवलप वर्ल्ड में बहुत सारी चेंजेस आई हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो सोशल एंटरप्राइज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन्वेस्टर्स का कि उनको रिटर्न मिल रहा है बहुत सारे फार प्रॉफिट जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत कामयाब है उन्होंने ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक किया है लेकिन उसके बावजूद अभी भी फंडिंग उस तरह से हैंडी अवेलेबल नहीं है जिस तरह से बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल होती है कि लोग हायर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं और विलिंगली इन्वेस्ट करते हैं सोशल एंटरप्राइज में ख़ास तौर पर जब एनवायरमेंटल कंसर्न आते हैं जब ग्रीन का टैग आता है थोड़ी सी रिल्कटेंस होती है कि ये एक एडिशनल बर्डन है ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि इसको अपनी जो एको फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करना पड़ेगी ये तो हो गया डेवलप्ड कंट्री कॉन्टेक्स्ट सोशल एंटरप्राइज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनफेक्ट बहुत तेजी से फैल रहा है और बेहद कामयाब एग्जांपल्स हम इस कोर्स में थ्रू आउट डिस्कस करते आए हैं ग्रामीण से शुरू करके हमने अफ्रीका लैटिन अमेरिका मुख्तलिफ जगहों की केस स्टडीज़ डिस्कस की डेवलपिंग कंट्रीज में जो चैलेंजेस हैं सोशल एंटरप्राइज के हवाले से उसमें बेसिक चैलेंज इनोवेशन का है इनोवेशन ऑलवेज कॉस्टली आप एक्सपेरिमेंट करते हैं आप कुछ डिफरेंट करते हैं उस पर कॉस्ट आती है और अमूमन सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके पास या तो फंड्स होते नहीं हैं या बहुत कम होते हैं उनके लिए इनोवेशन पे स्पेंडिंग करना विजावी सोशल इम्पेक्ट पे स्पेंडिंग करना एक मुश्किल डिसीजन होता है नतीजा क्या होता है लोग बहुत जोशो खरोश से नए आइडियाज़ के साथ एंटर तो होते हैं लेकिन कुछ अर्से बाद जब उन्हें अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेट करने की ज़रूरत पड़ती है रेलैक फंड्स और वो वो कॉस्ट पे नहीं कर सकते नतीजतन बहुत जल्द वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं एक दूसरा चैलेंज जो स्पेसिफिक टू डेवलपिंग कंट्रीज़ कॉन्टेक्स्ट है वो है कि सोशल इंटरप्राइजेज जो हैं वो उनमें रिटर्न कम है उनमें प्रॉफिट का मार्जिन कम है इवन फार प्रॉफिट जो है उनके लिए लेटर लोन नॉन प्रॉफिट जो है उनकी बात की जाए तो एक ऐसा जो आ, सेक्टर है जो आप कह सकते हैं जिसमें प्रॉफिट का मार्जिन कम है वहाँ पे लोग काम करने के लिए कितने विलिंग होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं एक अंडर पेड वर्क फोर्स होगी जो वॉल्ट्री या अपने पैशन की बेसिस पे या अपने कमिटमेंट की बेसिस पे जो लोग आते हैं ज़्यादातर सोशल एंटरप्राइज में वो लोग होते हैं ख़ास तौर पर नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है वो काम सीखते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं वो फॉर प्रॉफिट सेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं तो सोशल एंटरप्राइजेस के लिए ये एक वर्क फोर्स का जो चैलेंज है उसको रिक्रूट करना और उसको रिटेन करना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ की नस्बत एक स्पेसिफिक चैलेंज है उसके अलावा जो बिज़नेस एंटरप्रेस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुद क्रिएट करते हैं मल्टीनेशनल्स हैं लोकल बिजनेसमैन मैन हैं आपने देखा होगा कपड़े की मिल है साथ बिजली का यूनिट उन्होंने अपना लगा लिया क्योंकि मिल को चलाना है तो बिजली के लिए गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं देखते रह सकते कि कब बहरान खत्म होगा कब बिजली या गैस मिलेगी और कब मिल चलेगी तो लोग जो हैं वो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है बिजनेसमैन वो अपना ख़ुद क्रिएट कर लेते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुद क्रिएट नहीं कर सकते उनके पास जो स्कीस फंडिंग होती है जो थोड़ी सी उनके पास फंडिंग होती है फाइनेसिस होते हैं वो उसको सोशल इम्पेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसको डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए खर्च करना चाहते हैं वो जस्टिफाइड नहीं अपने आप को समझते कि वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन पे खर्च करें इसका मतलब है कि ये एक बैरियर बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की मार्केट में एंटर होने के हवाले से कि ना उनके पास इतने रिसोर्स होंगे कि वो अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें और ना वो अपना आइडिया जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंस और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योर्स को हम सबको पता है कि वो एक रियलिटी है जो उनको फेस करना पड़ती लेकिन इन चैलेंजेस को डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि आप डिसार्ट हो जाएं, आप अपना इंथ्यूज़म या पैशन लूज़ कर दें इसका मतलब है कि आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों अगर हम इस कोर्स को शुरू से रिकॉल करें तो आपको याद होगा हमने आपको कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताई केस स्टडीज़ शेयर की आपके साथ कि कैसे लोगों ने इनतई मीगर रिसोर्स और ऐसे सरकमस्टेंसेज में काम शुरू किया कि जहाँ उनको पागल तक पुकारा गया लेकिन दे कुड मेक इट आपका जो पैशन था जो सोशल इम्पैक्ट के साथ कमिटमेंट थी वो एक इंस्पिरेशन बन गई वो रोल मॉडल्स हमने आपको दिए ताकि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकें इंस्पिरेशन ले फिर हमने आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किए कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है अगर आप एक एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो वो कौन से स्टेप्स हैं वो रियलिस्टिक डिमांड्स जो मार्केट में हो सकती हैं हमने आपको वो देने की कोशिश की कि आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने एंटरप्रोल एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें डिज़ाइन कर सकें उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें एंड टूवर्ड्स द क्लोजिंग हमने पोटेंशियल की बात की पाकिस्तान में जो लीगल और दीगर सर्कमस्टेंस हैं जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है हमने उसकी बात की और हम इस स्टेज पे अब क्लोजिंग की स्टेज पे हमने आपसे वो चैलेंजेस शेयर किए जो दुनिया में कहीं भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स को पेश आते हैं आ सकते हैं और ख़ास तौर पर हमने डेवलपिंग कंट्रीज में यानी मुझे और आपको सोशल एंटरप्राइज के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया ताकि व्हेन यू गो आउट आप एक्चुअली अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करने लगें तो आप वेल इक्विप्ड हों आप तैयार हों आपको पता हो कि क्या मसाइल क्या मसाइल हो सकते हैं और वो कैसे हल होंगे गुड लक थैंक यू वेरी मच